बिजनौर पुलिस ने जिले में हो रही चोरी पर ब्रेक लगाते हुए हिस्ट्री शीटर सहित दो लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया। एक अभी फरार है। जनपद बिजनौर में हो रही ट्रक चोरी पर ब्रेक लगाते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में एक लाल रंग की क्विड कार घूम रही है, तभी से ट्रक चोरी की घटनाएं हो रही थी। स्थानीय पुलिस और सर्विस ऑनलाइन टीम ने उपरोक्त गाड़ी के साथ हिस्ट्री शीटर गुलशन व प्रमोद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अवैध हथियार, मोबाइल और नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। ये लोग ट्रक को चिन्हित कर उसको लूट लेते थे। इनका एक साथी मोविन, जो ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले जाया करता था, अभी फरार है। लुटेरों का सरगना गुलशन हिस्ट्री शूटर है, जो मुजफ्फरनगर जनपद का निवासी है, जिस पर दो दर्जन लगभग मुकदमे दर्ज है। आज रात्रि में स्वाट सर्विलांस और हल्द्वार पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ हुआ तीन बदमाशों के साथ में, जिसमें दो बदमाश पकड़े गए, गुलशन और प्रमोद नाम का अभियुक्त और एक मोबिन फरार हो गया। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, तमंचा, क्विड गाड़ी लाल रंग की बरामद हुई, जो काफ़ी दिनों से ये देखी जा रही थी। इसके पहले इस जनपद में नगीना से एक ट्रक चोरी हुआ था और हल्द्वार से एक ट्रक चोरी हुआ था। इनके पूछताछ के दौरान इनके कब्जे से एक ट्रक जो नगीना से चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है। मोबिन चूँकि फरार हो चुका है, उम्मीद है कि उसके कब्जे में होगा, उसकी बरामदगी शेष है। यह पहले से ही ज्ञात हो रहा था कि एक लाल रंग की क्विड गाड़ी कई दिनों से घूम रही है, जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं इनके द्वारा कार्य की जा रही है। अभी एक दो दिन पहले चेकिंग के दौरान 112 के PRV वाहन में भी इन्होंने टक्कर मारी थी। आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और ये अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इसमें से गुलशन मुजफ्फरनगर के 66 थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर करीब 22 मुकदमे हैं, कायम हैं, और प्रमोद जो जिसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति की कुर्की होगी। शेष अभियुक्तों की भी HS खोली जाएगी।